हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2019 के ग्रुप थ्योरी व नंबर थ्योरी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीछे के पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सो हम इस वीडियो में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखे, कुछ आज देखेंगे। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से हम जो डीयू के एंट्रेंस एग्जाम 2019 में ग्रुप थ्योरी व नंबर थ्योरी के टोटल 7 क्वेश्चन थे, तो वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सपोज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इज सोल्यूबल इन ए ग्रुप इन जी, देन देयर एग्जिस्ट बी इन जी सच दैट, कि बी बताना कि बी का एग्जिस्टेंस करेगा क्या, कि ये इक्वेशन है वो ए के लिए सोल्यूबल है इस ग्रुप जी में। तो अपन को बताना है कि ए इक्वल्स टू बी क्यूब होगा, ए इक्वल्स टू बी की पावर 5, ए इक्वल्स टू बी की पावर 4, ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो अपन को ये बताना कि इसमें कौन सा ट्रू होगा। अपने को गिवन क्या है कि कोई एलिमेंट ए है वो जी में, कोई एक्स जी में, तो ये ए के लिए सोल्यूएबल है, यानी कि ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। तो अपन को ए की वैल्यू बताओ कि क्या होगी, और जो ए की वैल्यू होगी उसको इसने बोला देर एग्जिस्ट बी, उस बी को अपने को बताना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि अपने को गिवन है एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, एक्स स्क्वायर ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स अपने को गिवन है। अब अगर इसमें देखा जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ए भी जी में एक्स भी जी में, जी ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स एक्स इनवर्स भी जी में होगा। तो ए एक्स का जो बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन लगाते हैं कि क्लोज होती है, तो ए एक्स इनवर्स वो भी जी में होगा और ए एक्स भी जी में होगा। तो जो अपनी गिवन इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम लेफ्ट एंड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो अपन इसको ए एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड में हम ए एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इक्वेशन ऐसे बन जाएगी ए एक्स इनवर्स एक्स स्क्वायर ए एक्स इंटू ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इनवर्स ए इनवर्स ए एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए एक्स इनवर्स एक्स स्क्वायर तो एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ए एक्स और इधर ए इनवर्स ए तो आइडेंटिटी बन गया और एक्स इनवर्स एक्स भी आइडेंटिटी बन गया, तो इधर तो आ गया ए और यहाँ पे आ गया ए एक्स एक्स 3 टाइम्स, तो इसको ए एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे, अब अपन को पता है कि ए कोई एलिमेंट है जी का और एक्स कोई एलिमेंट है जी का, तो ए एक्स भी कोई एलिमेंट है जी का। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एक्स कोई एलिमेंट बन गया, इसको हमने बी बोल दिया तो बी क्यूब इक्वल्स टू ए आ गया, यानी कि ए के लिए सोल्यूएबल थी तो हमने बता दिया कि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यूब। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यूब, तो यानी कि ए इक्वल्स टू बी क्यूब आएगा। तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है, उसमें थोड़ा सा तरीके की कम्यूटेटिव सब ग्रुप अपन को पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव सब ग्रुप क्या होता है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एन नॉट इक्वल्स टू ई बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए नॉन आबिलियन ग्रुप जी, यानी कि एन तो नॉर्मल सब ग्रुप है और जी कैसा है, नॉन आबिलियन है। एंड एन इंटरसेक्शन जी डैश इक्वल्स टू ई वेयर जी डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि जी अपने को कम्यूटेटर सब ग्रुप दिया हुआ है, किसका, जी का, जी डैश है वो, जी डैश का, जी डैश है वो कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी का। तो अपन को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू का, नॉन नन ऑफ दीज, एन इज नॉट अबेलियन, एन कंटेन्ड इन जेड जी, जेड जी सेंटर ऑफ जी को डिनोट करता है और जी बाई एन इज अबेलियन। तो हम इसको एक एक को चेक करेंगे कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ये टर्म है कम्यूटेटर सब ग्रुप, ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है और कम्यूटेटर एलिमेंट क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कम्यूटेटर एलिमेंट और ग्रुप क्या होते हैं। तो जैसे एन नॉट इक्वल्स टू ई भी अपने को नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है और जी नॉन अबेलियन ग्रुप बता दिया गया और एन इंटरसेक्शन जी डैश इक्वल्स टू ए वेयर जी डैश इज द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटर सब ग्रुप को देखते हैं कि जी कोई भी ग्रुप हो और उसके एलिमेंट अगर ए और बी जी में है, दो एलिमेंट है, देन कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, यानी एलिमेंट का कम्यूटेटर ए और बी का कम्यूटेटर होगा, उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज द एलिमेंट, यानी कि कम्यूटेटर ऑफ ए और बी का कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इसका कम्यूटेटर एलिमेंट है, किसका, ए और बी का इन जी में, कम्यूटेटर एलिमेंट ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। और अगर ए और बी अगर कम्यूट करते हैं, यानी कि जी अगर कम्यूट करेंगे तो क्या होगा, अपन ए बी को बी ए लिख देंगे तो ए ए इनवर्स ई बन जाएगा और फिर बी बी इनवर्स भी क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, यानी तो एलिमेंट क्या आ जाएगा, ई, यानी कि अगर जी आबेलियन होता है तो हम उसमें ए और बी का कोई एलिमेंट लेंगे तो उसका कम्यूटेटर क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद ही होता है। पर अब अपन को पता है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है, तो कम्यूटेटर सब ग्रुप वो होगा कि जो ऐसे एलिमेंट है ना जो कम्यूटेटर एलिमेंट है उनसे जनरेट होने वाला जो सेट है वो ग्रुप बनेगा, उसी को अपन सब ग्रुप बोलते हैं, कम्यूटेटर सब ग्रुप। इनफैक्ट कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए और बी दो एलिमेंट थे तो ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स कम्यूटेटर एलिमेंट हो गया और इस प्रकार के जो एलिमेंट है उनको अपन लिखते हैं सी इक्वल्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि इन कम्यूटेटर एलिमेंट से जो जनरेट होने वाला सेट है ना इनके मल्टीप्लिकेशन ए वन ए टू ए एन, तो एक्स वन एक्स टू एक्स एन ईच एक्स आई इज कम्यूटेटर इन जी, यानी कि हर एक्स आई क्या इसका कम्यूटेटर, यानी कि एक्स आई एक्स वन एक्स टू एक्स वन इनवर्स एक्स टू इनवर्स, जैसे एक्स वन और एक्स टू का कम्यूटेटर एलिमेंट हो गया, इस प्रकार से हर एलिमेंट का यहाँ पे कम्यूटेटर है। तो इस प्रकार का जो सेट होगा वो ग्रुप बनाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलेंगे। और इनफैक्ट जो कम्यूटेटर ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का।
अब अपने को बताना है कि एन एबेलियन है कि नॉन एबेलियन है, एन किस में कंटेन है और जी वाई एन का क्या होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एन की बात करते हैं। जैसे अपन को पता है कि अपने को गिवन है कि एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एन नॉर्मल सब ग्रुप है इसका मतलब जी एन जी इनवर्स एन में होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू एन जी बिलोंग्स टू जी, ये डेफिनेशन हो जाएगी एन नॉर्मल सब ग्रुप की। तो हम एलिमेंट लेते हैं एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स, यानी कि एन और जी का अपन क्या निकालते हैं, कम्यूटेटर एलिमेंट निकालते हैं। एन कहाँ से लेंगे, कैपिटल एन से, और जी कहाँ से लेंगे, कैपिटल जी से। तो अगर एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स दिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एन को अलग कर लेते हैं, जी इन एन इनवर्स और जी इनवर्स को अलग कर लेते हैं। हमको पता है कि एन है स्मॉल एन है वो कैपिटल एन में है और एन नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जो एन इनवर्स है वो भी कैपिटल एन में होगा, और एन क्या है नॉर्मल सब ग्रुप, इसका मतलब जी एन इनवर्स जी इनवर्स किस में होगा, कैपिटल एन में होगा। क्यों, क्योंकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है और नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ये होती है ना, जैसे हमने पढ़ते हैं कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे होगी। तो जब जी इनवर्स कैपिटल एन में है और ये स्मॉल एन भी एन में है, तो इन दोनों का जो ऑपरेशन लगेगा वो भी किस में आएगा, एन में। तो इसका मतलब एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स किस में आ गया, एन में आ गया। जहाँ पे स्मॉल एन बिलोंग्स टू एन था तो एन इनवर्स भी एन में होगा। अब ये एलिमेंट एन में, और वैसा देखा जाए तो एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स क्या हो गया, कम्यूटेटर एलिमेंट हो गया ना एन जी का, तो ये जी डैश में भी आएगा। क्यों, जी डैश क्या होता है, कम्यूटेटर एलिमेंट से ही तो जनरेट होता है, और जो ग्रुप एलिमेंट से जनरेट होता है तो उस ग्रुप में उसके एलिमेंट तो होंगे होंगे। इसका मतलब एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स जी डैश में भी है। जब ये जी डैश में भी है और एन में भी है तो इसका दोनों का इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। इसका मतलब एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स एन इंटरसेक्शन जी डैश में भी हो गया फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। और हमको दिया गया क्या, एन इंटरसेक्शन जी डैश, तो अपने को आइडेंटिटी गिवन है, तो इसका मतलब एन जी एन इनवर्स जी इनवर्स क्या आ गया, आइडेंटिटी आ जाएगा। और जब ये आइडेंटिटी आ जाएगा इसका मतलब एन जी इक्वल्स टू जी एन हो गया फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए। इसका मतलब एन किस में चला गया, सेंटर ऑफ जी में चला गया, क्योंकि सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन यही तो होती है, वो सारे एलिमेंट जिनके साथ जी का हर एलिमेंट कम्यूट करे। अपन ऐसे तो डिफाइन करते हैं जेड जी इक्वल्स टू, ऐसे लिखते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स और फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी, यानी कि वाई के जी के हर एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कम्यूट कर जाना चाहिए। यही तो अपन सेंटर की डेफिनेशन, सेंटर में वो एलिमेंट आते हैं जिनके साथ ग्रुप के हर एलिमेंट क्या हो, कम्यूट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन जी इक्वल्स टू जी एन फॉर ऑल बिलोंग्स टू जी, यानी कि एन के साथ ग्रुप का हर एलिमेंट कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब जो स्मॉल एन अपन ने कैपिटल एन से चूज करा था, जो स्मॉल एन अपन ने कैपिटल एन से चूज करा था वो किस में मिला गया, वो अपने को सेंटर ऑफ जी में चला गया। जब वो सेंटर ऑफ जी में मिला गया इसका मतलब जो कैपिटल एन है वो सबसेट हो गया किसका, सेंटर ऑफ जी का, यानी कि एन कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। अब जेड जी में तो वो एलिमेंट आते हैं ना जो सबके साथ कम्यूट करते हैं, इसका मतलब पूरा का पूरा एन ही जेड जी में आ गया। इसका मतलब एन के हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, इसका मतलब एन क्या बन गया, आबेजन बन गया। तो यहाँ से अपना दूसरा ऑप्शन था कि एन इज नॉट आबेजन, वो तो गलत हो गया क्योंकि एन आबेजन आ गया, और पहला बोल रहा नन ऑफ दीज। अब बाकी दूसरा और तीसरा और चौथा और चेक करते हैं, और तीसरा यही था कि एन कंटेन्ड इन जेड जी, तो ये एन कंटेन्ड इन जेड जी, ये तो सही हो गया। अब चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि जी बाई एन इज आबेलियन, तो हम चेक करेंगे कि जी बाई एन आबेलियन होगा कि नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं जी बाई एन आबेलियन होगा कि नहीं होगा। अगर हम मान लें कि जी बाई एन आबेलियन है, सपोज दैट हमने मान लिया कि जी बाई एन आबेलियन है, जब जी बाई एन आबेलियन हो जाएगा तो इसके दो एलिमेंट जी वन एन इंटू जी टू एन इक्वल्स टू जी टू एन इंटू जी वन एन होगा, क्योंकि जी बाई एन का एलिमेंट कैसे लिखते हैं, यही तो लिखते हैं ना, जैसे अपन जी बाई एच का एलिमेंट लिखते थे जनरली थ्योरी में पढ़ते हैं जी बाई एच, तो जब जी बाई एच का एलिमेंट लिखते हैं वही तो लिखते हैं ना एक्स इंटू एच एक्स बिलोंग्स टू जी। तो यही हो जाएगा जी वन इंटू एन और जी टू इंटू एन, जहाँ पे जी वन और जी टू कहाँ पे आएंगे, जी वन और जी टू कैपिटल जी में होंगे और कैपिटल एन तो अपना ग्रुप है ही, तो कोसेट टाइप का होगा ना जी वन एन एन जी टू एन और जी टू एन इंटू, क्योंकि अब अगर आबेजन होगा तो ऐसा ही लिखें दोनों इक्वल हो जाएंगे आबेजन हो तो। और अगर इस प्रकार से लिखा गया, और हम ये भी जानते हैं कि आबेजन ग्रुप में ऐसा होता है ना कि ए एच और बी एच वो क्या बन जाता है, ए बी एच बन जाता है इक्वल्स टू ए बी एच हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा जी वन जी टू एन इक्वल्स टू जी टू जी वन एन। अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप है ये, तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि जी वन इनवर्स जी टू इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इसको जी वन जी टू और जी वन इनवर्स जी टू इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा बन जाएगा एच एक्स इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एक्स एच इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो बनेगा जी वन जी टू जी वन इनवर्स जी टू इनवर्स एन इक्वल्स टू एन, यानी कि एच एक्स इक्वल्स टू एच या एक्स एच इक्वल्स टू एच, वो कब होता है जब इफ एंड ओनली एक्स बिलोंग्स टू एच, यानी कि जी वन जी टू जी वन यूनिवर्स जी टू यूनिवर्स एन में चला गया फॉर ऑल जी वन जी टू बिलोंग्स टू एन के लिए। बट हम ये भी जानते हैं कि जी वन जी टू जी वन यूनिवर्स जी टू यूनिवर्स क्या है, जी डैश में भी तो है क्योंकि ये कम्यूटेटर एलिमेंट है और ये जी डैश में भी है, और अपने को दिया गया है कि
कि एन इंटरसेक्शन जी डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, और ये जब जी डैश में भी है और एन में भी है तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या दे रखा है, ई दे रखा है, इसका मतलब जी वन जी टू जी वन इनवर्स जी टू इनवर्स क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और जब ये ई आ जाएगा इसका मतलब जी वन जी टू इक्वल्स टू जी टू जी वन फॉर ऑल जी वन जी टू बिलोंग टू जी, इसका मतलब जी क्या बन जाएगा, अबेलियन, जबकि अपने को जी तो नॉन अबेलियन दिया गया, यानी कि जी बाई एन अबेलियन होगा तो जी भी अबेलियन हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे अगर जी डैश अपना क्या हो कम्यूटेटर सब ग्रुप हो, पर जी बाई एन और जी आवेदन अपने को गिवन नहीं है, इसका मतलब अपना ये मानना कि जी बाई एन आवेदन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब ये रॉन्ग हो जाएगा तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर क्या था कि नन ऑफ दीज तो गलत, एन इज नॉट आवेदन, ये देखने आवेदन हो गया, एन कंटेंट इन जी सेंटर ऑफ जी बिल्कुल सही, जी बाई एन इज आवेदन ये नहीं, तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना था कि यहाँ पे कम्यूटेटर का क्या रोल है और कम्यूटेटर सब ग्रुप होता क्या है, उसके बाद बस जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करो और सिंपल से। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एस एन से है, जो ऑड इवन प्रमोटेशन क्या होते हैं वो अपन को पता होना चाहिए, वो भी सरल सा क्वेश्चन है। सो जो ये क्वेश्चन है वो एस एन का है, एस फाइव में अपने को बताया गया है कि ए एंड बी बी एनी टू प्रमोटेशन इन एस फाइव द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन फाइव लेटर, लेट सी अपन को दिया हुआ है ए इनवर्स वन टू ए, एक साइकिल वन को वन टू साइकिल दी हुई है, एंड डी कुछ तो दिया हुआ है बी इनवर्स वन टू थ्री फोर और बी, यानी कि एक बी प्रमोटेशन है और एक ए प्रमोटेशन है, उनकी मदद से दो नए प्रमोटेशन डिफाइन किए गए सी और डी, सी में एक साइकिल ऐड है वन टू और बी में दो साइकिल है वन टू और थ्री फोर, और उन दोनों साइकिल की लेंथ क्या है वो टू है, यानी दोनों के दोनों टू साइकिल है। फिर अपने को पूछा गया कि सी एंड डी के बारे में कि कौन सा ओड होगा कौन सा इवन होगा, तो अपने को पता है कि प्रमोटेशन क्या होता है, प्रमोटेशन मतलब कि टू, कोई भी प्रमोटेशन जिसकी लेंथ अगर टू होती है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, साइकिल बोल देते हैं, और कोई प्रमोटेशन ओड होता है अगर नंबर ऑफ साइकिल उसमें क्या है, नंबर ऑफ टू साइकिल, यानी जिसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं कि कोई साइकिल जिसकी लेंथ टू हो उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, और कोई प्रमोटेशन अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखा हो तो वो इवन प्रमोटेशन बन जाता है, और अगर कोई प्रमोटेशन ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखा गया हो तो वो ओड प्रमोटेशन बन जाता है। और हमें पता है कि अपन हर प्रमोटेशन को ट्रांसपोजिशन के कंपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि उनको ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हैं, हर प्रमोटेशन को अपन ऐसा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सी और डी डिफाइन है और ए और बी गिवन है, तो भले ही हम कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं उनकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे अपने को ए और बी दो प्रमोटेशन दिए गए हैं और ए इस प्रकार से डिफाइन किया गया है और डी इस प्रकार से और सी इस प्रकार से। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है कि प्रमोटेशन एफ बिलोंग टू एस एन इज लेंथ टू होनी चाहिए उसकी, इवन प्रमोटेशन एफ बिलोंग टू एस एन एफ इज इवन इफ एफ कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और ओड हो जाएगा अगर वो ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखा गया हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ओड बोल देंगे। अब बात करते हैं कि अपन एफ अगर इवन है तो एफ इनवर्स क्या होगा, और अगर एफ अगर ओड है तो एफ इनवर्स क्या होगा, तो हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं अगर एफ इवन है तो एफ इनवर्स भी इवन होगा, और अगर एफ ओड है तो एफ इनवर्स भी ओड होगा, और इवन इंटू इवन का प्रोडक्ट करते हैं तो वो इवन होता है, और ओड इंटू इवन का प्रोडक्ट करते हैं तो वो ओड होता है, और ओड और ओड का प्रोडक्ट करते हैं तो वो इवन होता है। अब अपन सी और डी की बात करेंगे, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपन सी और डी को देखेंगे कि सी और डी पे क्या कंडीशन होगी। जैसे सी अपने को गिवन है कि ए इनवर्स वन टू ए, अब भले ही ए कुछ भी हो अपन को पता है कि हर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इसमें देखा जाए तो जो ए के ट्रांसपोजिशन आएंगे वो वाले, ए इनवर्स के आएंगे वो वाले, और ए के और वन टू इन सबको अगर अपन देखेंगे तो वो अगर ओड होंगे तो अपन उसको ओड बोल देंगे, अगर वो इवन होंगे तो उनको अपन इवन बोल देंगे। अब अगर मान के चलते हैं कि ए कैसा है, इवन है, तो ए इनवर्स भी कैसा होगा, इवन होगा, और इवन इंटू इवन क्या बनाएगा, इवन बनाएगा, तो यानी कि ए की वजह से ये ट्रांसपोजिशन कैसा होगा, इवन होगा, पर वन टू ये तो सिर्फ एक साइकिल है तो ये तो ओड प्रमोटेशन हो गया, तो इवन इंटू ओड तो ये ओड बन जाएगा, कब, जब ए अपन ने इवन लिया था। अब बात करते हैं कि अगर मान लो ए को ओड ले लेते हैं तो जब ए ओड हो जाएगा तो ए इनवर्स भी ओड, और ये ओड और ओड दोनों क्या बना देंगे, इवन बना देंगे, और ये वन टू क्या है, ओड, तो इवन इनटू ओड वापस से क्या आ जाएगा, ओड। तो यानी कि ए और ए इनवर्स भले कैसा भी हो, ए भले इवन हो या ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी हमेशा ओड प्रमोटेशन रहेगा, सी तो क्या हुआ, ओड प्रमोटेशन आ गया। अब बात करते हैं डी की, डी कैसा है, बी इनवर्स वन टू थ्री फोर और बी, यानी कि दो साइकिल दी गई हैं जिनकी लेंथ दो है, यानी कि दोनों के दोनों ट्रांसपोजिशन है, तो ये दो ट्रांसपोजिशन है यानी कि ये तो इवन नंबर बन गया। अब वही सेम मेथड कि भले बी ओड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी इंटू बी यूनिवर्स उसको हमेशा ही क्या बनाएगा, इवन बनाएगा, तो बी और बी यूनिवर्स की वजह से तो क्या आएगा, इवन आएगा, और ये खुद पहले से इवन है तो इवन इंटू इवन क्या बन जाएगा, ये इवन प्रमोटेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब डी कैसा आ गया, इवन आ गया, और सी कैसा आ गया, अपना ओड प्रमोटेशन आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये सी तो अपना कैसा है, ओड प्रमोटेशन, और डी कैसा है, अपना इवन प्रमोटेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सी इवन है और डी ओड है, तो इसका थर्ड ऑप्शन, सॉरी सी ओड है और डी इवन, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी तो अपना ओड है और डी कैसा है इवन है। अब इसका एक दो लास्ट क्वेश्चन है वो और देखते हैं, वो भी थोड़ा नॉर्मल सब ग्रुप पे, तो अपने को नॉर्मल को भी थोड़ा ध्यान से देखना है इस एग्जाम के लिए। अब आगे क्या गिवन है कि के बी एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड एच बी ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम इन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना बोलो ना कि नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, फॉल्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है कि कौन सा इसमें। अब अपने को पूछा कि नॉट ट्रू, तो अपने को पता है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में गलती हो जाती है अक्सर। अपन को पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वर्जेंट, तो अपन कन्वर्जेंट देखते हैं और कन्वर्जेंट पर टिक मार देते हैं, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऐसे थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। तो अब अपने को बताया गया है कि के बी एनी सब ग्रुप है जी का, और एच की स्पेशलिटी है कि एम ऑर्डर का है, और ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप है उसके पास, ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम इन जी। तो पूछा है एच नॉर्मल, जी इक्वल्स टू एन एच, ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज दैट बी ए बी एच में होगा और एच के इज नॉट ए सब ग्रुप, तो ये अपन को ट्राई करना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एच इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम इन जी, इसी से सारा काम हो जाएगा। अब अपन कुछ जानते हैं कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल होता है तो क्या होता है और नॉर्मल नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ अपन जानते हैं। अपने को यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि के बी एनी सब ग्रुप है, एच इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, और नॉट ट्रू अपने को बताना है। तो हम ये जानते हैं, इसको थोड़ा छोड़िए एक बार, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स और ऑर्डर ऑफ एच सेम होते हैं, क्योंकि अगर कोई एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो उसके लिए अपन जानते हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स एच में होना चाहिए। तो वहाँ से अपन को एक प्रॉपर्टी पता है कि ऑर्डर ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स और ऑर्डर ऑफ एच दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तब दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो अपन को पता लगे, और ऑर्डर ऑफ एच क्या है, एम है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एच एम है, यानी एच का ऑर्डर एम दिया अपने को, और एक्स एच इनवर्स है उसका ऑर्डर भी एच है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एच इनवर्स और एच तो दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि एच इज द ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, यानी एम ऑर्डर का तो सिर्फ एक एच ही है, बट यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि इस सब ग्रुप का और इस सब ग्रुप का ऑर्डर दोनों का सेम है, और ऐसा सिर्फ एक ही सब ग्रुप है, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एच हो जाएगा। यहाँ से अपन को पता लग गया एच एक्स इक्वल्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब एच क्या बन गया, नॉर्मल सब ग्रुप बन गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एच एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है तो एच हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है, तो ये बात तो ट्रू होगी। अपने को बताया ना नॉट ट्रू। अब अपने को बताया कि एन एच इक्वल्स टू जी, यानी कि नॉर्मलाइजर या सेंटर, तो जो नॉर्मलाइजर होता है वो क्या होता है कि वो एलिमेंट आएंगे एच एन एच में कि जो एच के एलिमेंट जी के साथ कम्यूट करें, यानी कि एच के वो एलिमेंट जो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, यानी कि एन एच वो हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एच एक्स इक्वल्स टू एच, यानी एच के साथ कम्यूट करना चाहिए जी के एलिमेंट, तो एच एक्स इक्वल्स टू एच। बट हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि एच नॉर्मल है और एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी के सारे एलिमेंट एच के साथ तो कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा का जी जी का जी आ जाएगा, क्योंकि एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए ट्रू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि जी का हर एलिमेंट है वो एच के साथ कम्यूट कर रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ एच में वही आएंगे जो जी के एलिमेंट एच के साथ कम्यूट करते हैं, जबकि यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि पूरा का पूरा जी आ गया, तो जी इक्वल्स टू एन एच भी हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो गया। और अब बात करते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू एच अपने को गिवन है, तब ए बी बिलोंग्स टू एच गिवन है और हमें पता है कि जी ग्रुप है तो उसमें कोई एलिमेंट बी भी है और बी इनवर्स भी है, क्योंकि ए बी ए और बी एच में है, तभी तो अपन को ए बी पता लगेगा कि ए बी एच में, क्योंकि एच तो सब ग्रुप है, जब बी जी में और बी इनवर्स भी जी में, और हमें पता है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो वही प्रॉपर्टी लगाएंगे एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होगा, एच में होगा। तो अब ऐसा देखें एक्स एक्स किसका, अपन बी बी ले लेते हैं, तो बी ए बी बी इनवर्स, ए बी एच का एलिमेंट है तो ये क्या बन जाएगा बी ए बी बी इनवर्स, यानी कि बी ए बन जाएगा और बी ए बिलोंग्स टू एच, तो यानी जब ए बी एच में है तो बी ए बी किस में होगा, एच में होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन है कि एच के इज नॉट सब ग्रुप। अब अपन चेक करते हैं कि एच के सब ग्रुप बनेगा कब। हम जानते हैं कि एच के, अगर एच और के दो सबसेट हैं या दो सब ग्रुप हैं, तो एच के सब ग्रुप तब बनता है जब एच के इक्वल टू के हो जाता है, एच के इक्वल टू के हो जाता है, यानी कि एच के एलिमेंट के एलिमेंट के साथ कम्यूट करने चाहिए। अब अपन को पता है कि एच एक्स इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी है, और के क्या है सब ग्रुप है किसका, जी का। जब एच एक्स इक्वल्स टू एक्स एच फॉर ऑल बिलोंग्स टू जी है तो के में तो वही एलिमेंट आएंगे जो जी के हैं, तो इसका मतलब एच के इक्वल टू के हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एच एक्स इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए, और के सब ग्रुप है जी का, तो के में जी के एलिमेंट आने वाले हैं, तो एच के एलिमेंट के साथ भी कम्यूट कर जाएगा, यानी कि एच के इक्वल टू के हो जाएगा, तो एच के क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब एच के इक्वल टू के होगा, तो जब एच के सब ग्रुप बन गया तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू, क्योंकि एच के इज नॉट ए सब ग्रुप, जबकि हमने देखा कि एच के तो क्या है, सब ग्रुप है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे ये, तो जिनको हमने देखा कम्यूटेटर और ये नॉर्मल सब ग्रुप का क्या यूज था, सोल्वेबल ग्रुप, जो पहले मैं जो इक्वेशन सोल्वेबल थी उसका क्या यूज था,
इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो 2019 के जो डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सबको देख लिया है। ऐसे ही हम 2018 के ODPD के ग्रुप थ्योरी के ये सब क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।